इस शहर को यह हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट पीढ़ी, दिखे चलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। कोलार, धरती के अंदर का वो हिस्सा जहां सोना ही सोना है, कण कण में सोना है, वो धरती जो विदेशों में सोना भेजती है और जिसका पुराना नाम है कोलाहलपुर, यानी झगड़ा और युद्ध करने वाला गांव। चालुक्य और चोल साम्राज्य ने इसे अपने में शामिल करने के लिए कई भयंकर युद्ध किए। राजनीतिक झगड़ा, मुर्गा लड़ाना, जुआ मटका इस छोटे शहर की पहचान है। कोलार में खून खराबा की पहली घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति है श्रीनिवासपुर का चन्नप्पा रेड्डी। इसके आदेश के बिना यहाँ कोई भी किसी भी तरह का धंधा नहीं कर सकता। वेंकटेश नायडू नरसिम्हा रेड्डी इसके दाएं हाथ हैं। चन्नप्पा रेड्डी को कैंसर हो गया। 2 महीने तक अस्पताल में उसका इलाज चला, पर आज सुबह वो मर गया। और अब चन्नप्पा रेड्डी की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए नरसिम्हा रेड्डी और वेंकटेश नायडू में भारी खींचतान चल रही है। हाँ, बैठ जा बैठ जा। मुझे पता चला है कि तुम दोनों के बीच कुछ समस्या है। देखो, दोनों का अलग अलग रहना ठीक नहीं है। अगर हाथ मिला हुआ रहेगा तो भगवान भी तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ, वेंकटेश का मतलब क्या है, नरसिम्हा का मतलब क्या है, दोनों हरि के ही अवतार हैं। तुम दोनों अगर एक हो जाओगे तो मेरा हाथ तुम्हारे सर पे हमेशा रहेगा। ये कॉमेडी शो है क्या? हाँ, अपने भाई की इज्जत रखने के लिए मैं इतनी देर से यहाँ बैठकर सारी बातें सुन रहा हूँ। कोई 1 साल या 2 साल नहीं, पूरे 14 सालों तक भाई के सुख दुख में मैंने उसका साथ दिया है। देखो, तुम लोग जहाँ के हो ना, वहाँ धंधे में नियत को पहले देखा जाता है, पर मैं नहीं देखता। पैसों के लिए तो मैं कुछ भी नहीं देखता, नियम कानून तो बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ मैं। मेरे रास्ते में किसी ने टांग अड़ाया तो उसके टुकड़े टुकड़े करके इसके खून को कोलार की मिट्टी में मिला दूंगा। सोने की जितनी भी खाने अभी खाली पड़ी है ना, वो खून से लबलबा जाएंगी। किसके सामने बैठकर क्या बात कर रहा है बे तू? ज्यादा चर्बी चढ़ी है क्या? छोटी मालकिन, जुबान संभाल कर बात करो, नहीं तो यहाँ किसी को नहीं छोड़ूंगा। बड़के भैया के जाने के बाद अब से मैं ही सब कुछ हूँ। मुझ पर भरोसा करने वाले और मेरे साथ आने वालों की जान और माल की जिम्मेदारी मेरी है। चलो सब। देखा ना, वो कैसे बात करके गया। तुम तो मेरा साथ दोगे ना? बड़ी जोर का थप्पड़ मारा, ये तो उससे भी खतरनाक लगता है। धर्म अधर्म की बात बंद कर दो, ये कोई महाभारत नहीं है, माइनिंग माफिया है। यहाँ बैंड भी बजाना आता है और नाचना भी आता है। छोटे भाई हो, छोटे भाई के जैसे ही रहो, बड़ा भाई बनने की कोशिश मत करो। चलता हूँ। पालनहार कोटि लिंगेश्वरा जय नंदीश्वर।
हर महादेव त्रिलोकेश्वरा आदि अनंत तुम भोलेश्वरा। सबके मन में तुम ही, सबकी तुम ही आस्था, जग कुछ न तेरे सिवा, सारी सृष्टि है सिर्फ शिव में। इतिहास युग युग गाए शिव तेरा, ओम हो तुम ही भोले तुम ही हो व्योम। तेरा चांद में तेरी करुणा, सारी सृष्टि पूजे तुमको भोले। तेरा आशीष बरसे सब पाने को तरसे, तेरी करुणा में भीगे हर एक राम। तुम मेरे आराध्य शिव शंभु हो, मन में हमेशा शोना। हाय स्वीट हार्ट, क्या हुआ जानू, एक साल से तुमने अपनी शक्ल नहीं दिखाई है मुझे। कम से कम फेसबुक व्हाट्सएप पर तो आ जाओ। और थोड़े दिनों तक सरप्राइज रहने दो ना, मेरे मोबाइल का रिचार्ज कर दो प्लीज। ओके बाय शोना। हेलो हेलो हेलो, जब देखो तब फोन पे लगा रहता है, रोज इतनी सारी लड़कियों को फोन करता है, लेकिन कभी किसी लड़की से मिला भी है तू? अरे तो मैं क्या करूँ यार, वो लोग मेरा फोटो मांगते हैं, मैं भेजता हूँ लेकिन वो लोग अपना फोटो नहीं भेजते मुझे। तेरा फोटो देखने के बाद लड़कियाँ अपना फोटो भेजना नहीं चाहती। अगर तू जो भी मिली उस लड़की से बात करता रहेगा तो तुझे वॉइस कॉलिंग से ही एड्स हो जाएगा। एड्स? ये देखो बूढ़ा घोड़ा आ गया। स्वामी कैसा है बेटा तू? आप बड़े चक्रवर्ती हो। भगवान के नाम पे जो कुछ भी नया है उसे जरा इसमें डाउनलोड कर दे। ओ बुढ़े, सुबह तो 150 फिल्में डाल कर दिया था, सब देख लिया क्या तूने? देखे हुए वीडियोस बार बार नहीं देखता मैं। रोज तेरे लिए कहाँ कहाँ से नई फिल्में लाऊंगा, अब क्या हम और ये मिलकर फिल्में बनाएंगे तेरे लिए? जोक्स। लाओ ले पकड़। अच्छा सुन, कुछ इंडियन निकाल के देना। अबे इंडियन में क्या मजा है बुड्ढे, सब फालतूगिरी होती है उसमें, फॉरेन का देता हूँ मजा आ जाएगा, एक बार देख तो बुड्ढे। वो वीडियो डालने का रिस्क मत लेना, कितनी बार समझा चुका हूँ यार। लाइफ है तो रिस्क तो है ही, शादी करो तो रिस्क, बच्चा पैदा करो तो रिस्क, दादाजी से सीखो। ऊपर से बुड्ढे अंदर से जवान है, ये कभी रिस्क लेने से डरते हैं क्या? बहुत बड़ा ठरकी है ये। अच्छा सुन, स्वामी जी का कोई सुपर वीडियो आया ना तो उसे रात के लिए डाउनलोड करके रख देना, दूसरे का वीडियो देखेंगे तो पाप लगेगा, स्वामी जी का वीडियो देखेंगे पाप धुल जाएगा। ठीक है चलता, ठीक है, थैंक यू। लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस करता हुआ जा रहा है, लगता है रात का जुगाड़ कर लिया आज इसने। सही तरीके से बात करना सीख, गलत शब्द मत बोल, वो कुंडलिनी योग होता है। मुझे मत सिखा, मैं नहीं पूरी दुनिया जानती है कुंडलिनी योग, नहीं ना कुंडी योग होता है, सुधरेगा। रुक भाई, तेरा नाम क्या है? सुभाई। चल जा, कितनी बार समझाया तेरे को सुधर जा, लेकिन तू सुधरता नहीं है। नाम क्या तुम्हारा, तेरा नाम क्या है? शिवराज भाई। और तेरा? त्रिविक्रमा द्रोणाचार्य भाई। क्या कहा? त्रिविक्रमा द्रोणाचार्य भाई। तेरा नाम समझ में नहीं आ रहा है, तेरे भाई का नाम क्या है? नागराज नाम है। कहाँ काम करता है वो? ग्रेनाइट की खदान में ईडी का काम करता है। मुझे क्यों मारते हो भाई, मैंने क्या गलती की है? ये इस तरह से तोतला क्यों रहा है? ये टेंशन में तोतलाता है, बचपन से ऐसा ही होता है इसके साथ भाई। तेरा भाई समाज सेवी बनकर समाज की सेवा करना चाहता है, बच्चों की फीस भरने के लिए, घर का भाड़ा भरने के लिए, घर संसार चलाने के लिए 10 लॉरी खरीद कर चला रहा हूँ मैं, और तेरा भाई जब देखो तब यहाँ मेरी लॉरी को सीज करने चला आता है।
वेरी डेंजरस फेलो है वो। भाई मुझे एक डाउट है। क्या डाउट है? इसके भाई ने की पिटाई, आप इसकी क्यों कर रहे? इसका भाई अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता है, बड़ा ऑफिसर है वो। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डालकर 10 साल के लिए जेल में डाल देगा मुझे, इसीलिए मार रहा हूँ इसे। ए, जाकर अपने भाई को बता, भाई, भाई। अगर ये भूल भी गया तो तू इसे याद करवाना, समझा क्या? इसे मैं रखता हूँ। भाई 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 गधे जैसा इतना बड़ा हो गया है और मार खा कर आया है, उसे मारना क्यों? उसके ऊपर गिर जाता तो वही बहुत था, उसे उठने के लिए 3 दिन तो लग ही जाते। माँ बहुत बोल रही हो तुम, उसके हाथ में कितना बड़ा चाकू था पता है? अगर उसने घुसाया होता तो मैं सीधा ऊपर चला जाता। चाहे वो चाकू कितना ही छोटा हो, एक बार घुस जाए तो ऊपर का टिकट पक्का। एक बात बता, तू इतना डरता क्यों है? खुद को बचा नहीं सकता तू? भाभी, डरने के बीच और बचने के बीच में धागे जितना ही अंतर होता है। एक्चुअली जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था ना, तब मुझे हल्का सा दर्द हुआ था लेकिन कुछ भी हो मैं रोया नहीं। भाभी अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने उसे 4 थप्पड़ मारे होते तो कल थोड़ा वो 4 लोगों को लेकर आता। अब सोचो अगर मैं उन 4 लोगों को भी मारता तो आगे वो 40 लोगों को लेकर आता। अब मैं 40 लोगों को तो नहीं मार सकता ना। ये बात भी सही है पापा। अब सोचिए अगर वो अपनी दुकान तोड़ फोड़ देता तो अपना कितना नुकसान होता, फिर कोर्ट केस, इसी झमेले में घूमना पड़ता। भाभी क्यों इतनी समस्याएं पालना? अब मैं मार खाकर वापस आ चुका हूँ तो कितनी प्रॉब्लम क्रिएट होने से बच गई। हाँ तभी थोड़ा सा दर्द हुआ था, लेकिन अब तो सब कुछ सही है ना। अपनी तो एक ही पॉलिसी है, इंसान को हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचकर थोड़ा सा डर कर रहना चाहिए। शांति हाँ? हरी मिर्च ज्यादा डाल के जरा एक इसके लिए ऑमलेट बना दे, उसके बाद इसे गुस्सा चढ़ता या नहीं देखते। ठीक है पापा। क्यों दादाजी, सब लोग मिलकर चाचा को चिढ़ा रहे हैं क्या? देखिएगा आप लोग, एक दिन मेरे चाचा एक्शन हीरो बनेंगे। तब मेरे चाचा की पावर पता चलेगी आपको। एक्शन हीरो? पप्पू तेरी बातें तो टू मच लगती हैं। हीरो हम कभी खुद नहीं बन सकते, ये तो सामने वाला बना सकता है। वो लोग तो बना देंगे चाचा। ऐसा क्या? वेंकटेश 200 करोड़ के ग्रेनाइट हमें फॉरेन भेजने हैं। नरसिम्हा को छोड़कर तुम्हारे भरोसे आया हूँ मैं यहाँ पर। छोड़ो ना, वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वेंकट भाई तुम अपनी जान पहचान वाले हो, और जान पहचान वालों के लिए मैं जान तक दे सकता हूँ। वो थोड़ा सा पागल है वेंकट भाई, उसके पास भेजा नहीं है, पहले उसे अपनी भाषा में समझाइए तभी वो सुधरेगा। खाना खा। कल जाके मैं लड़की देख के आया और बात करके आया हूँ, मुझे तो वो पसंद है, पर बेटे को पूछना जरूरी है ना। क्यों बेटा, तुम्हारे भाई ने फोटो देखी या नहीं? देखी। पसंद आई क्या? फोटो बहुत अच्छी है। उसने तो ये भी कहा कि उसी फोटोग्राफर को ही शादी में बुलाना है। और वो लड़की? लड़की तो ठीक है, लेकिन लड़की के दिल में क्या है वो भी जानना जरूरी है। फोटो देखते ही लड़की के दिल में क्या है अगर ये पता चल जाता तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। मैं खुद लड़की को देख के आया हूँ, बात करके आया हूँ। लड़की बहुत ही सुंदर है, बस उसका कलर थोड़ा सा सांवला है। पापा आप उम्र दराज लोगों को सारी लड़कियां अच्छी दिखती हैं। अगर आपको इतनी पसंद आई है तो आप ही शादी कर लीजिए ना। ए, ये कैसी बातें कर रहा है तू? उनके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है तो क्यों अपने पापा से हमेशा ऐसे बात करता है? और नहीं तो क्या माँ, फोटो देखकर कैरेक्टर डिसाइड करने वाला मैं कोई ज्योतिष हूँ क्या? पूरी जिंदगी साथ बितानी है, वो मुझे पसंद आनी चाहिए, उसे मुझे पसंद करना चाहिए। एटलीस्ट 2 महीनों तक तो उसे मिलना जुलना होगा, अगर ऐसा होगा तो ही मैं डिसाइड कर सकता हूँ। पप्पू चल चलते हैं। क्या विचार है, अभी बात करना चाहता है, फिर साथ में रहने के लिए कहेगा,
और थोड़े दिनों बाद संसार बसाऊंगा ऐसा भी कहना शुरू कर देगा। करने दीजिए ना, उसमें क्या गलत है। शादी के बाद मेरा बाप कभी भी घर में शांति से नहीं रहा है। बाहर से खूब जम के पी के आता था और मेरी माँ की खूब पिटाई किया करता था और फिर टांग पसार के कहीं भी सो जाता था। आपस में कभी प्यार किया कि नहीं क्या पता, बस किसी स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और मैं पैदा हो गया। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। ऐसी बात है क्या स्वामी? ये तो हमें पता ही नहीं था। हाँ भाभी, ये क्या आपने घर की इज्जत मैंने ही मिट्टी में मिला दी। मैंने जोक किया था, मजाक मजाक मजाक। माँ, वो मैंने फ्लो में सच बोल दिया माँ, सॉरी। ये लो। स्वामी जी से पैदा होने वाले खाना खाने के लिए घर पे आएगा ना? आऊंगा, जहर भर मत डालना, बिल्कुल काली माता दिखती है। हाँ राजशेखर, कितना नीचे तक गया है? सर 150 फीट तक गया है सर। लंबाई और चौड़ाई मेजर करके ऑफिस में पहुंचा दूंगा सर। ठीक है, ओके ओके। क्या हो रहा है सब? तुमने सिर्फ 50 फीट तक का ही परमिशन लिया है और 150 फीट तक खुदाई करवा दी? सर आधा घंटा रुक जाइए, तब तक मेरा ऑनर आ जाएगा, आप उनसे बात कर लीजिएगा। तुम लोग हमेशा ऐसी ही बातें करते हो। हाँ आपके ऑफिसर को मोबाइल चाहिए कहा था ना, मैं लेकर आ रहा हूँ। हाँ आ जा आ जा, मैं भी पहुँच रहा हूँ। सर इसे 8 घंटों तक चार्ज कीजिए, उसके बाद यूज करना। 8 घंटे नहीं 80 घंटे चार्ज करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं। इसे देखिए, स्पेशल ऑफर है सर, जो चाहते हैं वो मिलेगा इसमें। ये सब नहीं चाहिए भाई। इनका भाई कितना कड़क ऑफिसर है ये तुम नहीं जानते। जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ ना, तब तो अपनी बीबी से भी बात करने से बहुत डरता हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ सर, जब आपकी बीबी के साथ झगड़ा होता है, जब भाभी मायके जाती है ना, तब आराम से बैठ करके कोई भी वीडियो देख सकते हैं इसमें। वीडियो? कौन सा वीडियो भाई? अरे विधानसभा में एक नेता बैठ करके देख रहा था ना, वही वीडियो सर। विधानसभा कौन देख रहा था? बेवकूफ, इधर बताता हूँ। अरे उसके अंदर मजेदार वीडियो चलता है, एक बार देखोगे तो मजा आ जाएगा सच में। ऑडियो सुनकर ही आउट हो गया। देखिए मेरे पास मोबाइल है, मुझे नहीं चाहिए। इसमें आप जो चाहें वो देख सकती हैं। आपको एक बात पता है क्या? क्या? जब आपके पति घर में नहीं रहते हैं ना, तो वो वीडियो भी आराम से देख सकती हैं। वो वाला वीडियो मतलब? आप तो ऐसी बात कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। वही वीडियो जो विधानसभा में बैठकर नेता लोग देख रहे थे, मजा आ जाएगा सच में। शर्म नहीं आती तुझे? कॉमन सेंस कहाँ चला जाता है? अरे मैं तो मार्केटिंग कर रहा था यार। अरे मेरा मोबाइल तो मेरा ही वीडियो बना देगी। देख भाई, मैंने उस लड़की के घर वालों से बात किया है, तू एक बार जाके उससे मिल तो ले, अगर तुझे पसंद आ गई तो आगे क्या करना है सोच लेंगे। ठीक है भैया। ओके ठीक है भैया। तुम्हें क्या हुआ है? दांत दुख रहा है। क्या दुख रहा है? दांत दुख रहा है। हाँ हाँ हाँ, तू एक काम कर, लेडी डॉक्टर के पास जा, सब ठीक हो जाएगा। सब मारने पे लगे हुए हैं। एक बात बता, आंटी ने मारा ना तो चोट यहाँ पर लगी, यहाँ पर। मैं चुपचाप चल। मैंने भाई के साथ 20 साल तक काम किया है, वो मेरे बाद में आया है, उसे मेरे नीचे काम करना चाहिए ना। पर देखो, साथ में रह के काम करने के लिए बोला तो मना कर रहा है, वो अकेला ही डॉन बनना चाहता है, सब कुछ खुद ही हड़पना चाहता है। देखा जाए तो कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आई है। तो तुम दोनों मिलकर काम क्यों नहीं कर लेते हो, या फिर अपने अपने बिजनेस को डिवाइड कर लो? पांडवों ने हिस्सा मांगा तो कौरवों ने नहीं दिया ना, उसके बाद कौरवों का क्या हाल हुआ ये तो आप जानते हैं ना भाई। होने दो कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र नहीं है जहाँ न्याय और नीति से मैं लड़ूं। कीड़े को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को बाज खा जाता है। जिसके पास ताकत है वही जीतता है, नहीं तो वो मारा जाता है। राइस मिल, रियल एस्टेट, एक्सपोर्ट, गारमेंट बिजनेस, सब उसे संभालने दो, मुझे सिर्फ ग्रेनाइट चाहिए। सुई जितनी जगह भी मैं नहीं दूंगा। हीरा छोड़कर कांच जमा करके अपनी जेब भरने वाला अनाड़ी समझ रखा है क्या उसने मुझे? भाई ये धंधा छोड़े हुए आपको 18 साल हो गए हैं, आपको ये सब नहीं पता है भाई। मार खाने वाला नहीं, मारने वाला यहाँ जीता है। यहाँ जो कुछ भी है ना, उसका मालिक सिर्फ मैं हूँ। मेरी मौत होगी, उसके बाद ही वेंकटेश कुछ कर पाएगा, नहीं तो मैं उसकी समाधि बना दूंगा, उसकी समाधि को कुर्सी बनाकर उस पर बैठूंगा। पैसा अधिकार कमाना मुख्य नहीं है, उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें जिंदा रहना होगा, पहले उसे समझो। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अभी मैं चलता हूँ। नरसिम्हा का एनकाउंटर करवाने के लिए कमिश्नर को चेंज करने की बात कर रहा है तू? हाँ भाई। ठीक है कि मैं होम मिनिस्टर हूँ, लेकिन जितने भी बड़े डिसीजंस होते हैं वो मुख्यमंत्री ही करता है। ऐसा मत कहिए ना भाई, अगर आपने मुझ पर उपकार किया तो मैं आपके लिए बड़ा उपकार करूँगा। मेरे ऊपर ऐसा क्या है वेंकटेश, इतना बड़ा उपकार? पिछले साल आपके बेटे ने नरसिम्हा कॉलेज की लड़की का गैंगरेप किया था ना, केस में उसके घर वालों को मार दिया था,
वो सब के सब मर गए ऐसा सोच रहे ना आप? मतलब उस लड़की का भाई सत्या अभी जिंदा है। ये क्या कह रहे हो? आपको मारने के लिए वो लोग प्लान बना रहे हैं। क्या हुआ भाई, इतना क्यों सोच रहे हैं? आपको यकीन नहीं हो रहा? चाहिए तो गांव में रहने वाले चलपति को फोन करके पूछ लीजिए। भाई तुम्हें पता है सत्या अभी जिंदा है? भाई वो तुम्हें पता है सत्या अभी जिंदा है? हाँ जिंदा भाई। इस बार में मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? आप अभी भी मिनिस्टर बने ना इसलिए। कमीना है तू, कोई ना कोई बहाने बनाते ही रहता है तू। बोलो कहाँ है? मैं जानता हूँ भाई, अगर आपने ये काम कर दिया तो फिर चलता हूँ भाई। बेटा हा? काम पर जा रहा है? पप्पू कहाँ है, स्कूल गई क्या? सुबह 7 बजे ही गई वो। ओहो, आपको आए 1 महीना हो गया लेकिन मुझे उससे मिलने का टाइम ही नहीं मिला। शाम को मैं ही लेकर आऊंगी। मैं काम खत्म करके घर पहुँचता हूँ तो 10 बज जाते हैं। कोई बात नहीं आंटी, बाद में देखेंगे। बेटा हाँ, तुम्हारी माँ है क्या? भाड़ा देना है क्या? जाइए ना अंदर। मम्मी Please hug me and bless me. Hey, why shock? Don't fear, I'm here. I'm your son, Hari 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 Swami. क्या रे, तुझे कोई बीमारी हुई है क्या? मम्मी, this is not बीमारी. Me coming. Raj Yoga. See, मम्मी, मैं मंदिर में जाकर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी बहू लेकर आता हूँ. Please don't put your काली जुबान, समझी? Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Hey, I'm Harry, 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 Harry Swami. ये कैसा गेटअप है बे तेरा? लड़की सेटअप के लिए ये है मेरा नया गेटअप. Life insurance girl calling. That girl life partner बनाने के लिए setting. One second. Hey, she's calling. Hi baby. Hi. अगले हाफ एन आवर में मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। कौन से कलर का ड्रेस पहन कर आ रहे हो? कलर रेड ब्लू येलो ऑल मिक्सिंग यार, झिंचक झिंचक। पर आपको पहचानूंगी कैसे? Hey, very simple. ये आमिर खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन सबको मिक्स कर दिया। कीड़ा तो लगे हुए बैंगन जैसा दिखेगा। या कीड़े लगे हुए बैंगन की तरह। कीड़ा लगा हुआ बैंगन? नहीं नहीं वो बात नहीं है, मैं आ जाता हूँ जल्दी, वहीं बैठकर बात करेंगे। ओके बाय स्वीटी। तेरी तो इसका मतलब तुम दोनों अब तक एक दूसरे से मिले नहीं हो क्या? ओ तो ये फर्स्ट टाइम है? या फोटो भी देखा है कि नहीं? नहीं यार, सीक्रेट रखने के लिए ऑल अवॉइडिंग, यू नो मेरी लव स्टोरी एक अलग तरह की लव स्टोरी है। दैट लव स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम लेटर एंड फ्रॉम स्वेटर। माय लव स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम मोबाइल एंड फ्रॉम टेंपल, यू नो। आहा, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है कमली, कमली, कमली। यार वो कमली तो एकदम फूल जैसी थी, सुपर्ब थी वो। इस कमली की शक्ल भूतनी की जैसी होगी तो क्या करेगा? अबे अशुभ क्यों बोलता है तेरी तो अरे यार प्रैक्टिकली एक बात सोचो, तुम अभी उसके पास जाओगे और वो डरावनी हुई तो तुम क्या करोगे? बॉलीवुड स्टाइल में आएगा, ऐसा कहा है उसने। ये लोग इस तरीके से क्यों घूर करके देख रहे हैं? सी मैन, योर सिस्टर अच्छी देख रही है ना? What I do? ए, तू ही बता। कैसे देख रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे खा ही जाएगा। ए, शॉकिंग एंट्री देखकर सरप्राइज दो उसे। हाँ सरप्राइज दे। कमली मैं हूँ हैरी स्वामी। मुझे डरा क्यों रहे हो? सरप्राइज देने के लिए मैं स्पाइडर मैन की तरह आया और तुमने मुझे स्लैप दे दिया। ओह सॉरी, मैं पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं, ये मेरा फ्रेंड है शिवराज। हाय। और यह शास्त्री। ये मेरी फ्रेंड ज्योति है। एक मिनट यार, हम दोनों वहाँ चल करके कुछ पर्सनली बात करने क्या? तुम जरा संभाल लेना, आप यहीं रहिए। हाय, मेरा नाम शिवराज है। I'm already committed. Thank you. तुम इतनी खूबसूरत होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। I can't. मैं भी confused हो गई। हाँ ठीक है। आप ऐसे होंगे मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। Thanks. वैसे कितने सालों से committed हो आप? पिछले 1 साल से। और ये कितवा है? Hello. फर्स्ट लव है मेरा। अच्छा आपने तो कहा था आप रेनबो कलर का ड्रेस पहन कर आएंगे। एक बहुत बड़ी कहानी है, मेरे फ्रेंड ने कहा शर्ट चेंज करके जाओ नहीं तो वो पहचान नहीं पाएगी। लड़की पसंद आई तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो चुपचाप वहाँ से निकल लेंगे हम लोग। अच्छी सलाह थी ना? फ्लो में सच बोल गया मैं। अरे सुनो तो, लड़कों पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। कुछ किया क्या तूने? अबे करूंगा क्या मैं,
एक ही डायलॉग में फूला हुआ फूल मुरझा के रह गया यार। फ्लो में शर्ट चेंज करने वाली बात मैंने उसे बता डाली। तुमको रिजेक्ट करने का एक रीजन चाहिए था और तूने दे दिया। अबे बेवकूफ, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे पैसे तो देकर जाओ, मैंने शर्ट खरीदी तुम्हारे लिए। अरे सुनो सुनो, वो फ्रेंड ने बोला था इसलिए शर्ट चेंज की थी। मतलब मैं खूबसूरत नहीं होती तो तू मुझे छोड़कर चला जाता क्या? अरे सुनो सुनो, ये बात नहीं है। सुनो, अरे सुनो, मैं ए शिवराज, ए चलो, ए संभल कर। दीजिए मैं खोल देती हूँ। अब से ठीक टाइम पर आना। एक्सक्यूज मी मैम, एक्चुअली मेरा नाम है टेंशन मत ले, मेरा नाम शिवराज है। हाँ? देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ लेकिन आप मुझे नहीं जानती। अगर हम दोनों को एक दूसरे को जानना है तो आपके साथ सिर्फ 2 मिनट बिताना चाहता हूँ, आप चलेंगी? मिस, उस दिन मंदिर के पास कोई आपको फॉलो कर रहा था, मैंने बताया था ना, ये वही बैड बॉय है मिस। अरे बेटा वो तो टेंपल में फॉलो किया वो तो ठीक है, लेकिन मैं हच डॉग जैसा नहीं हूँ। तुम्हारी माँ ने घर में गर्मा गर्म मैगी बनाई होगी, जाओ जाके खा लो। इसने तो मेरी बैंड बजा दी। बस 2 मिनट मिल सकते हैं मिस? ओके। आप मेरे बुलाते ही आ जाएंगी ये मैंने सोचा नहीं था मिस। कोई भी बुलाए तो आप यूं ही जाती हैं क्या मिस? सॉरी, मैं मुंह में फिल्टर लगाने की सोच रहा था लेकिन वर्ड्स ऐसे ही निकल जाते हैं। अपनी फैमिली के बारे में बताऊं तो मेरे पापा केबी से रिटायर हो चुके हैं, मेरा भाई अब तक काम करता है और मेरी माँ। देखिए घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, मैटर क्या है वो बताइए। अच्छा मैटर बताऊं क्या? ठीक है, एक्चुअली वो क्या है ना, कितनी क्यूट बच्ची है, अगर आप चाहें तो हम भी इस तरह के क्यूट बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब कोई परेशानी है तो एक ही बच्चा बस हो गया। ओके फाइन, मुझे मेरे हस्बैंड से पूछना होगा। हस्बैंड? एक मिनट, पैरों में रिंग नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, शादी हुई है, इसका कोई एविडेंस तो होना चाहिए। आपकी शादी नहीं हुई है, इसका क्या एविडेंस है आपके पास? नहीं वो क्या है कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक आदमी हंसते खेलते रह रहा है तो उसकी शादी नहीं हुई होगी ना। ऐसी ही बात है तो आप शादी क्यों करना चाहते हैं? ऐसे ही रहिए ना, मतलब मेरे पीछे पड़ा है। वो क्या है, अगर मैं आपके साथ शादी कर लूंगा तो मैं बहुत ही खुश रहूंगा, इसलिए पूछ रहा हूँ। सुनिए, मैंने अब तक किसी लड़की के साथ ऐसी बातें नहीं की, पता है आपको? ऐसी बात है? सॉरी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे घर तक ड्रॉप कर देंगे प्लीज? बैठिए ना। अभी अभी आपने अपनी लव स्टोरी दी एंड कर दी और अभी वापस शुरू कर रही हैं। इस पिकअप और ड्रॉप के बीच में हम अपनी लव स्टोरी को मैरिज स्टोरी तक ले चलते हैं ना? नहीं, बैठिए ना, बैठिए। थैंक्स। अरे रहने दीजिए ना, मैंने जैसे ही आपको देखा तो मुझे अपनी फर्स्ट नाइट याद आ गया। सॉरी, मैं अपनी शादी की बात आपसे बोलने के लिए आया तो मेरी जुबान ही हैरी। अब मेरा घर? अरे बाप रे, बातों बातों में मैं आपको मेरे ही घर पे ले आया। बैठिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। ये कैसे हुआ, आपने ही मुझे ये रूट बताया? हेलो, आपके यहाँ भाड़े पर आकर मुझे पूरा 1 महीना हो गया है। आप लैंडलॉर्ड के बेटे हो इसलिए मैंने आपसे बात की और आपको ड्रॉप करने को कहा। वैसे यहाँ तो आप बड़े शरीफ बनते हो, नजरें झुका कर चलते हो और बाहर रासलीलाएं रचाते हो। रुको, इन सब के बारे में तुम्हारी माँ को बताती हूँ। अरे सुनिए सुनिए, मत बोलिए, जो भी हुआ अपने बीच में रहने दीजिए ना। सिर्फ सूंघ करके लड़की कहाँ से आती है ये जानने वाला जनरेशन आई है? पिछले 1 महीने से वो लड़की तुम्हारे घर में भाड़े पे रह रही है, सुबह शाम रोज इसी रास्ते से आती जाती है और अभी तक तेरी उससे दोस्ती नहीं हुई। थू, मर्द के नाम पे कलंक है तू। तू भी तो यहीं पर रहता है ना। तुझे एक बात पता है, मैं मर्द हूँ ही नहीं।
दुकान जा रही हूँ माँ। हाँ बेटी, चाबी ऊपर है, ले लो। ठीक है। आंटी, वो लड़की कौन है? वो बच्ची है, अभी अभी स्कूल से आई है। बच्ची स्कूल में? मैं समझा नहीं। उसने टीचर की ट्रेनिंग खत्म करके अभी अभी स्कूल ज्वाइन किया है। ओहो, बच्ची वहाँ गई है, बच्ची यहाँ गई है, बच्ची स्कूल गई है। हाँ। ये सब सुनकर मुझे तो लगा कि कोई फ्रॉक पहनने वाली छोटी बच्ची होगी, मगर हाँ? ये इतनी बड़ी स्वीटी होगी ये नहीं पता था, क्योंकि इतनी बड़ी स्वीटी कभी स्कूल में तो पढ़ने जाएगी नहीं ना। एक्चुअली आप भी अगर फ्रॉक पहनकर स्कूल जाएंगी ना तो आप भी बच्ची ही लगेंगी। क्या बेटा, तू भी अच्छा मजाक कर लेता है। अरे बाप रे, ये तो शर्मा रही है, बिल्कुल अपनी बेटी जैसी है। डिट्टो डिट्टो, लड़की के बारे में पता करने के लिए कहा तो उसकी माँ को लाइन मार रहा है। सुनना, क्या है? उस बच्चे की कोई छोटी माँ है? आंटी, ओ तो इतना बिजी है वो। क्या कहा आपने? मैं आपकी अच्छा, बेटी के साथ शादी कर लूं? अरे कितनी लड़कियों से शादी करता फिरूं? हां कुछ काम नहीं है? मेरे पिताजी भी ना डेली मुझे 10 लड़कियों की फोटो दिखाते हैं, और उनके फ्रेंड्स भी मेरी बेटी से शादी करो, मेरी बेटी से शादी करो, ऐसे कहकर क्यों मैं खड़े रहते हैं? बेटी, हाँ? तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ, आ रही हूँ माँ। मैं कोई भगवान हूँ क्या? चार चार शादियाँ करने के लिए गई क्या? हेलो हेलो, इस नंबर से मुझे मिस्ड कॉल आया था। मिस्ड कॉल? मैंने तो किसी को कॉल नहीं किया। तो फिर आपका नंबर मुझे कैसे मिलेगा? आपने किया तभी तो मैंने रिटर्न कॉल किया ना। ओ, हाँ। आपके हस्बैंड ने किया होगा, फोन एक बार उन्हें देना। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। फादर? वो टिकट कट गया क्या उनका? हेलो, मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं। ओ, इट्स ओके। घर में कोई दूसरा मर्द है क्या? क्योंकि बेसिकली मैं किसी लेडीज से बात नहीं करता। आप इतने देर से लेडी से ही बात कर रहे हैं, आपको क्या चाहिए वो बोलिए। आर यू श्योर आपने मुझे फोन नहीं किया था? नहीं। इट्स ओके, कूल। नहीं पहचाना, एक बार और फोन करता हूँ। देखिए डॉक्टर इंजीनियर लड़कियाँ नहीं चाहिए, मेरी माँ तो मुझे कोई टीचर बहू चाहिए ऐसा कहकर टॉर्चर करती रहती है। बड़े लोगों की बात सुनना भी तो जरूरी है ना। हेलो, इस नंबर से मैसेज आया था मिस। मिस? मैसेज इस नंबर से? यस ऑफ कोर्स, मैंने तो किसी को नहीं भेजा। ये क्या है, आप मेरे साथ खेल रही हैं? आपके किसी दोस्त ने मेरा नंबर देकर वो लड़का स्मार्ट है, बढ़िया है, पटा लो उसे, ऐसा बोला है क्या? मैं कौन हूँ ये जानती हैं आप? मेरे लैंडलॉर्ड के बेटे मोटे शिवा ही है ना। क्यों सर, सिग्नल कट हो गया क्या? सिग्नल कट कर। ओहो, मैं यहाँ भी तोतला रहा हूँ, कैसे पहचान लिया? हाँ, गेस किया होगा। चलो मैनेज कर लेते हैं। हाँ सुनिए, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कितना ग्रेट हूँ वो लड़की पहचान नहीं पा रही है, इसलिए उसके ग्रीन सिग्नल मिलने तक मैं भड़की हुई लग रही है, स्किप होना ही ठीक रहेगा। सुनिए, यहाँ पर सिग्नल ठीक से मिल नहीं रहा है, मैं नीचे आके बात करता हूँ। एक मिनट आ रहा हूँ। क्या यार, सब लोग नजर आ रहे हैं लेकिन मेरे दिल को रोशन करने वाली नजर ही नहीं आ रही है। अरे बत्ती नहीं है ना, इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये हालत देख करके मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की याद आ रही है। अरे भूख हटा और उठ यहाँ से, चल उठ। मॉर्निंग भैया। चल खड़ा हो जा, तू तो उस गली का है ना, यहाँ क्या कर रहा है? भैया वो मेरे घर के टेरेस पर तू क्या कर रहा है? भैया वो कविता को लाइन मारने के लिए आया था। लाइन मारने? हाँ? तू उसकी चोटी के बराबर थो और तू अभी से उसको लाइन मार रहा है? अभी अपनी उम्र तो देख, अबे ठीक से चड्डी पहनने आती नहीं और लाइन मारता है। आपने पहनी है क्या? दिखाओ क्या? ऐसी बात करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, सोच रहा है क्या? ये क्या भाई, मैं तो बाजू वाली गली में रहता हूँ, बाजू के गाँव वाला भी आके लाइन मार रहा है। कहाँ है वो? वहाँ देखो, वहाँ टंकी के पीछे। वो देखो टंकी के पीछे, आओ मेरे साथ, दिखा यार। इतनी रात को टॉर्चर कर रही है। ये देखो भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ तो अंधेरे का फायदा उठा जा रहा है। अरे यार, अगर 9 मिनट तक बिजली नहीं आई ना तो 9 महीने का बच्चा लेकर लौटेगा ये यहाँ से, और ये सब तेरी छत पे हो रहा है। यार तू इन लोगों को संभाल, मैं अपनी वाली को ढूंढता हूँ। अबे घर तेरा, तू संभालना। ए भाई, क्या चल रहा है तुम लोगों में? भैया मुझे नहीं पहचाना। भैया बोलो मुझे, वो कौन है? ये मेरा ब्रदर है भैया। ब्रदर तो ठीक है, गमले के पीछे क्या कर रही हो? हाथ हटा भाई। अबे कमीने, तू है कौन? कहाँ से आया यहाँ पे? 10 किलोमीटर दूर से आया। 10 किलोमीटर से आया? यहाँ कब आया? आधा घंटा हो गया। अबे बेवकूफ, बिजली को गए 5 मिनट हुए, अबे तू आया किधर से? हाथ छोड़ उसका, हाथ छोड़ उसका। मैं तो बस मिलने आया हूं। तू ऐसे नहीं मानेगा, निकल यहां से, निकल। अरे तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या जो मुझे भाई कह रही हो? अच्छा तुमसे एक बात पूछूं क्या? बताओगी उसमें क्या है जो मुझमें नहीं है? अरे आता हूं। अब तक सोई नहीं बेटी? नहीं माँ। क्यों? बच्चों के एग्जाम पेपर करेक्ट करने हैं,
अभी अभी ज्वाइन किया है ना? ये तो सुबह भी कर सकती हो ना? सुबह इतने सारे पेपर करेक्ट नहीं हो पाएंगे माँ, कितनी भी देर हो जाए लाइट आने के बाद पेपर्स करेक्ट करके ही सोऊंगी, आप सो जाइए। जैसे तुम्हारी मर्जी। हाय 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 हाय, दिल को टच कर दिया इसने तो। हेलो, हाँ मैं शिवराज बोल रहा हूँ, मेरे एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। हाँ करंट चला गया है, तुम जरा आ जाओ ना। क्या 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 क्या, आपका डिपार्टमेंट अलग है और उनका डिपार्टमेंट अलग है? ए, तो फिर आपका पुलिस कमिश्नर बनने का मतलब क्या है? यहाँ स्टूडेंट्स है और स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली टीचर भी है, यहाँ कितना प्रॉब्लम हो रहा है पता है आपको? लाइट कट करने के लिए तुमने ही बोला था ना, अब पुलिस के नाम से डरा क्यों रहा है? तुम बोलते हो तो ऑन कर देता हूँ। बोलता है बड़ा कमिश्नर है, चल फोन रख। क्या बात है भाई, तू इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? अच्छे से सुना दिया है उसे, अब देखना कैसे बिजली आ जाएगी। ओ बिजली आ गई माँ, उठो लाइट आ गई, चलो। बल्ब तो कम वॉट का था लेकिन चमक बहुत तेजी से रहा है गुरु। ज्यादा देख मत, रात को सपने आएंगे। मजाक कर रहा था सर। तुझे कमिश्नर बनाया है इसलिए नहीं कि तूने कोई बहुत बड़ा काम किया है या आगे कोई बहुत बड़ा काम करना है तुझे। हम जो करेंगे बस उसमें तुम्हारा सहयोग चाहिए। ये है वेंकटेश नायडू, तुम्हें इनका फेवर करना होगा। ठीक है सर। हेलो। ओए वेंकट, वो नामर्द मिनिस्टर और बेवकूफ कमिश्नर, उन लोगों पर भरोसा करके मेरा एनकाउंटर करने का डील दिया है उनको। तेरी तो क्या हुआ, मौत से डर लग रहा है क्या? उम्र पूरी होने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता है। चल छोड़, जब तेरा अगला जन्म होगा ना तो सारा का सारा बिजनेस तुझे ही सौंप दूंगा, ठीक है? और कितने दिनों में मरने वाला हूँ मैं? सुन नरसिम्हा, तू अब एक दिन भी नहीं जी पाएगा और तू एक मिनट भी नहीं जी पाएगा। जिंदगी से उब चुके लोगों को मौत की भीख देने वाला नरसिम्हा हूँ मैं। मेरी मौत का दिन तय करने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक, समझा? कोल्हार की सड़कों पर दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी है। बाहर सेंसेशनल न्यूज, अंदर ब्रेकिंग न्यूज। ए, तू अपने आप को समझता क्या है? इस पूरे शहर का नेता हूँ मैं, मेरे आदमियों को मारकर मेरे ही सामने डायलॉग मारता है तू? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? घंटी बज रही है, शुभ समाचार होगा कोई। हाँ बोल भाई। सत्य को किसी बाहरी गैंग के लोगों ने मार दिया है भाई। कौन है वो? मैं हूँ, आपके लिए सत्या को मारने वाला मैं ही हूँ। डायरेक्ट मैटर पर आता हूं मैं। अब तुम लोगों को अपने बिजनेस प्रॉफिट में से 50% मुझे देना होगा। लेकिन सर, जब चिन्नप्पा भाई जिंदा थे तो उन्हें 20% दिया करते थे। हे, वो चिन्नप्पा था, मैं हूं नरसिम्हा। मान गए तो नर हूं, नहीं माना तो सिम्हा हूं। सर, किसी इन्वेस्टमेंट के बिना 50% हम कैसे दे सकते हैं? 50% देने वाला ही इस कोलार में टिक सकता है। कोलार मेरा है। हे, आगे से कोई भी 10 लाख से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन मुझे बताए बिना नहीं करेगा। मुझे बताए बिना रजिस्टर किया तो रजिस्टर करने वाले का नाम यहां रजिस्टर होगा। मान लिया तो नर हूं, नहीं तो मैं हूँ सिम्हा। चलो भैया चलता हूँ। सुबह 7 बजे अर्जेंट काम बोल के तू निकल रहा है? ऐसा क्या अर्जेंट है? लव मैटर। चुप ना। लव? कौन है वो? अब तक सेटिंग नहीं हुई है, सेट हो जाएगी तो पहले आपको बताऊंगा। कौन है ये बता, सेट करने की जिम्मेदारी मेरी। लो भाई, ब्रोकर घर में ही है, मामला आसान हो गया। मैं अपने भाई का ब्रोकर हूँ तो क्या गलत है? बिल्कुल। बता ना भाई कौन है, पता है क्या? ऊपर भाड़े पर रहने वाली टीचर है। ऊपर रहने वाली टीचर? मंदिर में घंटी बजाने के लिए पुजारी से कोई पूछता है क्या? अरे बुला ना, वो आ जाएगी।
आ रही है, बुला कर देख लो। नाश्ता रेडी है क्या? गुड मॉर्निंग मिस। टीचर जी छुट्टी हो गई। कैसी बात कर रहा है तू? पूछेगा तो मना करेगी क्या? मेरे भाई जैसा लड़का पाके वो तो धन्य हो जाएगी। छा, तुझे पूछना चाहिए था। अरे इसने पहले ही जाकर पूछा, उसके सामने जाकर करने लगा, उसने जाने के लिए बोल दिया, बस और क्या। तू अगर नर्वस होगा तो बात नहीं कर पाएगा, तू बस जाके अपने दिल की बातें उसे बोल दे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तू एक काम क्यों नहीं करता, एक लव लेटर लिख दे। अरे मेरे कैसे कर्म है, छोटा भाई त्रेता युग में, बड़ा भाई द्वापर में। अरे भाई SMS में लव होता है, फेसबुक पर शादी होती है, व्हाट्सएप पर बच्चा पैदा होता है, और ऐसे जमाने में आप लेटर लिखवाने की बात कर रहे हैं, क्या भाई हम बात। ठीक है यू कांट। देख ये फोन, ये SMS, ये चैट, ये सब तो है ही, लेकिन तू अगर लव लेटर लिख के उसे प्रपोज करेगा ना तो बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग होगी। ओवर स्मार्ट है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? तू ट्राई तो करना, निकल यहाँ से। अगर भैया की सुनेंगे ना तो लड़की नहीं लड़की की बेटी भी नहीं मिलने वाली है। तो इतना बड़ा धोखेबाज है, मुझे पता नहीं था, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। क्यों बे? मुझे छोड़कर तू अकेले नौकरी के लिए एप्लीकेशन देने जा रहा है? ये एप्लीकेशन नहीं है यार, तो फिर लव लेटर है। कूल। अबे त्रेता युग, एनवेलप के कवर पे कोई लव लेटर लेकर जाता है क्या? निकाल इसे बाहर। अबे इसे ऐसे फोल्ड कर रखा जैसे एप्लीकेशन देना हो। ये ले पकड़, इसे ऐसे लेके जा। आ रही है। जाऊं क्या? देख अभी तुम मुझसे गाली सुनेगा। चुप रहे ना, क्यों चिल्ला रहा है? अबे तो जाना, जा। कॉफी हो गई क्या? नाश्ता भी हो गया। वो क्या है? लव लेटर। तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं है क्या? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? आपके लिए नहीं, बच्ची के लिए। क्या? इस बच्ची के लिए लव लेटर? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बच्ची पढ़ना मत। देखो अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, समझे? तो ये क्या है अंकल? देखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। अपनी शक्ल देखिए आईने में, मुझे लव लेटर देने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे तो रणबीर कपूर, रणबीर सिंह जैसे किसी से शादी करनी है। आप तो पुरानी फिल्म के घिसे पिटे विलेन जैसे हो। आई हेट यू। अब ये ज्यादा हो गया हा? सुनो अगली बार मेरा पीछा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। चलो सुनिए, बदमाश कहीं का। भैया मेरे राखी के बंधन को तेरी तो। बात करते समय तो करता ही रहता है। अबे लेटर लिखते समय तो ठीक से लिखना चाहिए था। अरे यार वो क्या है ना, लिखते वक्त टेंशन हो गया था। अच्छा लिखते समय टेंशन हो गया था, संसार बसाने का टाइम आएगा तो भी क्या तू 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 करता रहेगा वहाँ पे। तू देखो चुप रहना, शादी के बाद क्या करना है वो तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा बेटा तुझे सब कुछ मालूम है, तू तो ऐसे बोल रहा जैसे PhD कर रखी है। चल अभी। चाचा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बुरा मत मानना। हाँ बोलो। आपको यह लव शव सूट नहीं होता, आप दादाजी ने जो लड़की देखी है उससे शादी करके सेट हो जाओ। अरे मैं ऐसी बिना देखे शादी कैसे कर सकता हूँ बेटा, कैरेक्टर तो पता होना चाहिए ना। शादी होने के बाद सब पता चल जाएगा चाचा। तुम जाओ और जाकर अपना होमवर्क करो। श्री राजा शिवराज जी, क्वाइन डालेगा तभी बात हो पाएगी। अबे तू अपना मुंह बंद रख, ये तो प्यार है, दिल की भाषा, बस रिसीवर कान पर लगा कर रखो तो भी दोनों के दिल बात करते हैं। बेटा अगर तू रिसीवर को इसी तरीके से कान में लगा के रखेगा तो उस लड़की को कोई और रिसीव करेगा और तू खड़ा ही रह जाएगा। फोड़ दिया इसने तो, बाप रे। ये क्या बोल रही है तू? हाँ माँ बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, MED के एग्जाम्स भी सिर पर है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? चल मेरे साथ। कहाँ माँ? चल बताती हूँ। माँ रहने दो, चल तू। आइए आंटी बात बैठिए ना। माँ ऊपर रहने वाली आंटी आई है। ऊपर रहने वाली आंटी आई है, मेरी शिकायत तो नहीं कर रही है ना? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। कोई बात नहीं, भाई साहब हैं क्या? नहीं वो तो बाहर गए हैं, बताइए क्या बात है। कुछ नहीं, मेरी बेटी को बस स्टॉप पर कुछ लड़के हर रोज परेशान करते हैं। बाप रे मैं तो बच गया। किससे मदद मांगू समझ नहीं आया, मेरे पति भी यहाँ नहीं है, इसलिए आपका बेटा अगर हमारी थोड़ी मदद कर दे तो। अरे रे रे। आंटी बस स्टैंड पर। हाँ बेटा। माँ हाँ? ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, आप अंदर जाइए। हाँ? तुम हैंडल करोगे, लड़ाई झगड़े से तो तुम कितना डरते हो। पिछली बार की तरह रफली हैंडल नहीं करूंगा, शांति से रहूंगा, सिचुएशन देख कर सॉफ्टली हैंडल करूंगा। तुम माँ किचन में कुछ जलने की बू आ रही है, आप अंदर जाके देखिए ना। लेकिन बेटा प्लीज जाओ ना।
जाओ ना माँ। देखो उन लड़कों से कह दो मैं ही तुम्हारा आदमी हूँ। हाँ? आदमी वो क्यों बेटा? नहीं नहीं आंटी, इस घर का ओनर हूँ ये बताने जा रहा था। और एक बात आंटी, आपकी बेटी से वो लड़के कौन थे ये बताने के लिए कहिए, मैं देख लूंगा। बेटी, भैया को वो लड़के कौन थे? भैया क्या हुआ बेटा? आप अपनी बेटी को मुझे भैया कहने के लिए कह रही हैं? आप छोटे छोटे करके बुलाती है ना, मुझे ये भाई बहन का रिश्ता ठीक नहीं लगता। अच्छा ठीक है बेटी, इस अंकल को वो लड़के कौन है वो क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं आंटी, बच्ची तुम जरा बाहर वेट करो, तब तक मैं रेडी होकर आता हूँ। भाई फोन। ए बजरंगी। हाँ बोल शिवा। एक्शन हीरो की तरह एक फाइट करवानी है यार। फाइट? वो रहे। अच्छा वो लोग हैं, आप जाइए मैं देख लूंगा। ए टीचर आइए सलाम करो। आ? टीचर जी पढ़ाइए, टीचर सुनाइए, पाठ पढ़ाइए, पाठ पढ़ाइए। रुकना यार, ए हीरो मैं हूँ और एक्शन भी मैं ही करूंगा, तू तो सिर्फ यहाँ पे मेरी मदद करने के लिए आया है, अगर तू जाएगा तो तू ही हाईलाइट होगा ना, मैं आगे जाऊंगा। ये तू पीछे हट ना। पाठ पढ़ेंगे, अरे टीचर जी पढ़ाइए ना। देख भी राजेश है क्या? नहीं बाला। ओहो तेरे बाल कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, लगता है कट करने पड़ेंगे। क्या रे क्या बकवास कर रहा है? ये दास तलवार नहीं उठाता, और अगर उठाई तो खून निकलने तक तलवार नीचे नहीं रखता और रखेगा भी नहीं। सिस्टर एक मिनट चलिए। हाँ। ए! ए! अगर चुप रहेगा तो सालों जिएगा, नहीं तो तू 3 मिनट में फिनिश। औरत लोगों को खून देखकर चक्कर आ जाता है, इसलिए यहाँ लेकर आया हूँ आपको। आप चुपचाप यहाँ बैठकर इसे खाते रहिए। बैठिए बैठिए। आप नहीं जाएंगे क्या? मैं बचपन से बहुत गुस्से वाला हूँ, अगर उन लोगों को उल्टी सीधी जगह लग गई ना तो उनको ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा, गारंटेड। भैया रहने दो। हाँ? हाँ? अपना हाथ दिखाकर हमें मत डरा। ए, इन हाथों में बहुत दम है, पूरे देश की शक्ति इन हाथों में समाई है, मुट्ठी बंद करके मारूंगा तो वापस कभी लौट के नहीं आएगा। ए, कौन है रे तू? तूफान। भगवान जब खुश होते हैं तो धरती पर कुछ खास लोगों को भेज देते हैं, और जब उन खास लोगों का दिमाग हटता है तो वो दुनिया का काया पलट करते हैं। उठा उठा के पटक पटक के मारूंगा। अरे यार देख रही है उनको अंदर बैठाकर आधा घंटा हो चुका है। अरे यार पहले बताना चाहिए था ना, कितना डायलॉग वेस्ट करना पड़ा। ए भाई मैं तुझे बस ये बताना चाहता हूँ कि हम बहुत सिंपल लोग हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, तो शांति से ही रहेंगे। उस टीचर को परेशान मत करना। टीचर का मैटर है? हाँ। इसके लिए इतना डायलॉग मार रहा था? मिमिक्री बहुत अच्छा करता है। पप्पू इसने तो फ्री में फिल्म दिखाई है, इसके लिए चाय बोलो रे। पहले उस टीचर को आने दो। वो आकर बोलेगी तो तुम छोड़ दोगे? ऐसा कैसे हो सकता है, वो प्यार नहीं करती पर मैं तो लव करता हूँ ना। भैया बहुत हो चुकी नौटंकी, अब चुपचाप निकल ले। तो ईमानदारी से बताओ तो आप सुनने वाले नहीं हो? हाँ देखो रे भाइयों ये शर्ट ऊपर उठा रहा है। ये मेरा दिखाने वाला हाथ है और इसका मारने वाला हाथ। दोस्त मैं एक चाय पीकर आता हूँ, तब तक तो इनको सुला देना, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ए भाई एक चाय पिला देना। ए, जाना खेल शुरू हो चुका है, जा जा। हुई ना बात,
मार उसे भाई, एक और चाय। एक लड़की को छेड़ने से पहले उस लड़की का लवर होगा और उस लवर का फ्रेंड होगा, और फ्रेंडशिप में कितना पावर होता है, और फ्रेंडशिप के लिए जान देने के लिए भी रेडी, जान लेने के लिए भी रेडी है, ये सब देखकर सोचकर स्टेप आगे बढ़ना होता है। हाँ? अरे जेब क्यों फाड़ दी तूने? हाँ? फाइट करने के बाद जेब भी फटेगी, मुंह भी फटेगा। ए भाई चोट तो दिखाना। अरे 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 ओके ना। ओके चलो चलते हैं, आ जाओ फाइट खत्म हो गई, आ जाओ। और एक मारा होता तो वो मरी जाता। चुप रहना बच्ची, उन लोगों को उठने के लिए 4 महीने लगेंगे, चलने के लिए 6 महीने लगेंगे और भागने के लिए 9 महीने लगेंगे। राइमिंग में बात कर रहा हूँ, ऐसा सोचना मत, टाइमिंग में मार के आया हूँ। अगर आगे कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो मुझे बता देना, मैं सब संभाल लूंगा। थैंक्स। इट्स ओके। ओके यार आप भी मेरा पीछा करके मुझे टॉर्चर मत करो प्लीज। अरे अरे चलो, क्या हुआ सर, क्या हुआ? बहुत ऊपर से गिरा वो, सर फट गया उसका। चलो चलो चलो, ये सब क्या हो गया? नरसिम्हा रेड्डी की खदान है सर, सिर्फ 60 फीट की परमिशन मिली है, पर वो अब तक 150 फीट से ज्यादा खुदवा चुका है। हर महीने इसी तरह कम से कम 4-5 लोग मर जाते हैं सर। ये बात बाहर ना फैल जाए इसके लिए वो सबको पैसे देकर खरीद लेता है। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तुम्हारा फ्रेंड कुमार है ना? हाँ वही है। और वो लड़की कौन है? नंदू तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वो नंदिनी है, वो दोनों 7 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लड़की के घर वालों ने दोनों की शादी करने से मना किया। तो वो लड़की कहती है कि मैं घर छोड़ के आ जाऊंगी, लेकिन इस पागल ने मना कर दिया। कहता है कि फैमिली को छोड़कर अनाथ की तरह नहीं जीना चाहिए, इसलिए शादी नहीं कर रहा। ऐसे क्यों रो रही हो? मैं हूं ना, मैं 1 मिनट में आता हूं। ठीक है। नंदिनी कैसी हो? मैं ठीक हूँ शिवा, चलती हूँ। ए, क्या प्रॉब्लम है यार? जग्गा, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी तो रोज उसकी माँ को इंजेक्शन देने जाती थी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, डरिए मत। अब मैं चलती हूँ। उसके बाद मैं जहाँ जहाँ जाती थी वो मुझे फॉलो करता था। मेरे ड्यूटी टाइम पे वो खड़ा रह के मुझे देखता रहता था। तभी मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे प्यार करता है। थोड़े दिन बाद जब उसकी माँ गुजर गई तो एक दिन वो मैडम आपसे सीधे हॉस्पिटल चला आया। क्या बात है जग्गा? नंदू ये सही समय है नहीं मुझे नहीं पता। मेरी माँ मरने से पहले इस बारे में तुमसे बात करना चाहती थी, मगर इतने में तुम्हारी शादी हो गई। अभी जाने दो, अभी तुम मेरे साथ चलो। वो मुझसे ऐसी बात करेगा मैंने सोचा नहीं था। जगह उसे डांट कर मैं वहाँ से चली गई। उसके बाद रात को वो मेरे घर आया और बहुत बुरी बातें करने लगा। उसका टॉर्चर मैं सहन नहीं कर पा रही थी, मैंने अपना घर चेंज कर दिया, वो वहाँ भी आ गया। बोला था ना मैंने तुझसे, तुझे मैं 3 दिन का समय दे रहा हूँ, तू क्या करेगी कैसे करेगी मुझे कुछ नहीं पता। सब कुछ खत्म करके
मेरे साथ रहने आ जा, उसके बाद तू और मैं आराम से। जय जय राम सीताराम। ए बोल रहे, जय जय राम सीताराम, जय जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। नंदने, सोचा था तुम गंगा की तरह पवित्र होगी, लेकिन इसके साथ शादी करके तूने अपनी सारी पवित्रता खो दी। फिर भी मैं तुझे स्वीकार करूंगा, अगर तू मेरे पास नहीं आई तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। याद रखना, 3 दिन। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो मैं मर जाऊंगी। उस कमीने के हाथ पैर तोड़ेंगे तभी चैन मिलेगा मुझे। तू पागल हो गया है क्या? तू नजर उठाकर देखेगा तो तुझे मार डालेंगे। उनके लिए तो इंसान की जान का मतलब ग्रेनाइट की धूल की तरह है। ये सब मामला छोड़ दे यार। ए, पागलों जैसी बात मत कर। अगर नंदनी से शादी करने के बाद ऐसी हालत होती तो क्या मैं उसे छोड़ देता? 7 साल तक हम दोनों साथ में थे तो क्या मैं उसे भूल जाऊं क्या? हाँ, वो अपने माँ बाप पति के साथ खुश रहे यही चाहता था मैं, और अब वो मरना चाहती है। अगर वो मेरे सामने घुट घुट के मर रही है ये देख के भी मैं चुप रहूं? अरे वो लोग तुझे जानते हैं यार, उन लोगों को मारा तो मैटर वहीं खत्म नहीं होगा। वो नरसिम्हा का आदमी तुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा। कौन मारेगा ये पता होगा तभी ढूंढते हुए आएगा ना। देखता नहीं करोड़ों करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, कौन देगा पैसे? तेरी गवर्नमेंट देगी? ऐसा नहीं है भाई, इससे पहले आपने जो कुछ भी कहा मैंने सब किया है ना। टेंडर कोई लीजिए, आपने जिसे देने के लिए कहा उसे दे दिया। प्लीज भाई, हर महीने 4 मौतें हो रही हैं। मरने वाले को आज तक कभी कोई रोक सका है क्या? देखो, सिगरेट पीने से जब हजारों लोगों की मौत होने लगी तो सिगरेट के पैकेट के ऊपर स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ लिखने का रूल बना दिया गया। फिर भी लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया क्या? देख भाई, रूल्स होते हैं बनाने के लिए। अगर चाहो तो तुम्हारे लिए काम कर देता हूं, अपने खदान में एक बड़ा सा बोर्ड लगवा देता हूं, माइनिंग एरिया डेंजर जोन लिखवा कर, ठीक है? ए, हाँ भाई, कल अपने खदान में भी वो बोर्ड लगवा दे, डेंजर लिखना मत भूलना। ठीक है भाई। जब लोगों को काम पर नहीं आने दोगे ना तब सोचेंगे। ऐसा नहीं है भाई। अरे यार तुम भी ना, अभी जो मरा है ना उसे 2 लाख रुपए ज्यादा देने के लिए बोल दो। ठीक है भाई। और जरा ये भी पता कर लो कि इसे भी कुछ चाहिए क्या। ये क्या है भाई, मैं जान के बारे में बात कर रहा हूँ, आप पैसों के बारे में बात कर रहे हैं। जिनकी मौतें हुई हैं उनके परिवार के बारे में सोचिए भाई, उनकी बीवी बच्चे, मेरा भी एक परिवार है भाई, उनके दुख को पैसा मिटा सकता है क्या? हाथ जोड़ता हूँ भाई, मैं कंप्लेंट नहीं करूंगा, आप अपनी ग्रेनाइट माइन बंद कर दीजिए। क्या बोला आपको उनसे उल्टा बोलने की क्या जरूरत थी? बोलो माँ। शांति प्रेग्नेंट है बेटा। डॉक्टर ने अभी अभी कंफर्म किया, तू जल्दी से घर आ जा। आता हूँ माँ। घर में एक नया मेहमान आने वाला है, इसकी खुशी मनाएं या फिर तू मार खाकर आ रहा है इस बात का दुख मनाए, ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इस बुरे समाज में रहते हुए अपने अंदर गुस्सा पाल के रखना अच्छी बात नहीं है। अगर गुस्सा अंदर रखा तो तुम्हें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? जरा खुद सोच के देखो क्या सही है। हमारा आज का समाज और इसमें रहने वाले बुरे लोग, अगर इन सबको देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा यहाँ जिंदा रहना गलत है। मगर ये समाज ऐसा ही है, अगर ये पहचान लें, जान लें और समझ लें तो फिर आदमी संतोष हेगड़े अन्ना हजारे जैसा बन जाता है। ऐसे बुरे समय में तुम्हें
क्या फैसला लेना चाहिए ये बात तुम खुद ही सोच लो। कोलार में नरसिम्हा अपना खदान बिना नियम के आधार पर चला रहा था। वहाँ पर भूखनन अधिकारी नागराज और उनकी टीम ने बिना नियम से चलने वाले खदान को खोदने के लिए सिर्फ 60 फीट तक का ही आदेश दिया था, लेकिन नरसिम्हा ने 150 फीट तक खुदवाया है, इसलिए नरसिम्हा के खदानों को सीज कर दिया गया है और नरसिम्हा के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए भूखनन अधिकारी नागराज और उनकी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया है। अब देखते हैं कि सरकार इसके खिलाफ क्या कदम उठाती है। भूखनन अधिकारी नागराज ने और उनकी टीम ने जो कदम उठाया है वो बहुत ही अहम माना जा रहा है। इस ऑफिसर को छोड़ना नहीं है भाई, मामला भी ताजा है, इसे अभी के अभी मारना होगा। किसने किया ये सब? कुमार ने भाई। अच्छा सुन, नंदिनी अपनी फैमिली के साथ मैसूर में शिफ्ट हो गई है, तू थोड़े दिनों तक इस गांव में आना भी मत, जो भी होगा मैं तुझे फोन करूंगा। हाँ, चल, 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 निकल रही है, चल 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 जल्दी संभल के रहना। ये कुमार कौन है ढूंढो। ठीक है भाई। हेलो भाई, मैं मार्केट रोड क्रॉस कर रहा हूँ, काम खत्म करते आपको फोन करता हूँ। भाई रंगा अभी मार्केट रोड क्रॉस कर रहा है, उस ऑफिसर को फोन करो। जी भाई। हेलो ऑफिसर। बोलिए सर। तुझे फोन क्यों किया पता है? क्यों सर? ताकि मैं तुझे तेरी मौत दिखा दूं। वन, टू, थ्री, फोर।
क्या जबरदस्त साउंड इफेक्ट है। जिंदा है कि मर गया देखो जरा। सॉरी सर, उनको नहीं बचाया जा सका। बेटा। पापा, क्या हुआ पापा? पापा, क्या हो गया? माँ, बोलो ना माँ, क्या हुआ? भैया, अभी तक हम लोग हॉस्पिटल में हैं, निकलते ही फोन करूंगा मैं। सर, मेडिकल ऑफिसर आपको बुला रहे हैं सर, चलिए। हाँ, साइन करो। अशोक, आपका बेटा पीकर गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया, रिपोर्ट में लिखा है। ये क्या बोल रहे हो? नहीं सर, मेरा बेटा शराब नहीं पीता था। कौन सा बेटा बाप को बताकर पिएगा? हाँ, कोई नई बात नहीं है, साइन करो। नहीं सर, वो शराब नहीं पीता था, मैं जानता हूँ, वो एक बहुत ही अच्छा लड़का था। ए, मुझे अपनी बकवास मत सुनाओ, साइन करो और अपनी बॉडी लेकर जाओ। साइन करो। अशोक, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। कल माइंस बंद करवा दी और आज मेरा बेटा मर गया। इसमें पक्का नरसिम्हा का ही हाथ लगता है। एक बार और पोस्टमार्टम होना चाहिए। सर, आप एक बार और पोस्टमार्टम कीजिए। एक और पोस्टमार्टम? हेलो भाई, हमने ही मारा है, क्या उखाड़ लेगा तू हमारा? तेरे बेटे ने न्याय किया है क्या? तेरे बेटे की वजह से कितना नुकसान हुआ ये मैं जानता हूँ। मायने को चलाना कितना मुश्किल है जानता है तू? सीएम से लेकर डीसी तक लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। साइन करके चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मारा। मैं साइन नहीं करूंगा। मैं ये मामला कोर्ट में ले जाऊंगा। इसका पेपर कहाँ है? यही है ना तेरा साइन? ये तेरा साइन नहीं है, इसे प्रूफ करने के लिए तुझे कम से कम 10 साल लग जाएंगे। तब तक तेरा कोई बेटा था, उसका मर्डर हो गया, ये तू भूल जाएगा। अगर तू तब तक जिंदा रहा, मैं कोर्ट में देख लूंगा, जा। तूने ये ठीक नहीं किया है। मैं कोर्ट जाऊंगा, मुझे कोर्ट ले चलो। मैं ये मामला कोर्ट में ले जाऊंगा। चलिए। सर, आपको बेटा हुआ है। देखो, सरप्राइज केक। आज हमारी भूमि का बर्थडे है। भूमि, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। मामा को भी खिला। दो ग्लास क्यों डाल रही हो बेटा? और आधा ग्लास डालो। अभी हम चार लोग ही हैं ना माँ, इतने में हो जाएगा।
शांति शांति क्या हो बेटा? पोस्ट मिस्टर नागराजू कौन है सर? हाँ क्या बात है? उनके नाम का एक कॉन्फिडेंशियल लेटर आया है। हाँ, ला दो। सर ये सरकार की तरफ से आया हुआ लेटर है, ये उनके हाथों में ही देना होता है सर। अगर वो अभी नहीं है तो मैं कल आ जाऊंगा सर। अब आप चाहे कभी भी आ जाएं, लेकिन वो कभी नहीं आने वाला, उसे मरे 4 दिन हो गए। सॉरी सर, यहाँ एक साइन कीजिए। थैंक यू सर। ये नरसिम्हा सामान्य आदमी नहीं है। गारमेंट्स, राइस मिल, रियल एस्टेट, माइंस, ये सब वो बेनामी चला रहा है। आपके बोलने पर अगर मैं ऐसी न्यूज़पेपर में डाल देता हूँ, बाद में अगर वो ये क्लेम करता है कि पेपर के न्यूज़ गलत है, तो हम क्या करेंगे? वो एक एक्सीडेंट ही था, ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड है। आई एम सॉरी सर, इस बारे में हम पेपर में नहीं लिख सकते। इसे भूल जाइए सर। भूल जाऊं? पर कैसे भूल जाऊं सर, मैं उसका बाप हूं। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 35 साल उसे पाला। वो पैदा हुआ तो उसका नामकरण किया, उसे लाड प्यार दिया। जब पहली बार उसने मुझे पापा बोला तो मेरा दिल खुश हो गया था सर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसे सौंप दी थी सर। उसके पैदा होने के बाद पहली बार जब मैंने उसे अपने हाथों में उठाया था, उस पल से आज तक वो मेरी जिंदगी में जिंदा है। और आज मैं इन्हीं हाथों से उसकी चिता को आग लगा के आया हूँ। सर मेरा खून खोल रहा है। मेरे बेटे को मारने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर। अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उन्हें ये घोंप के मार दूंगा। लेकिन मैं क्या करूं, मुझ में इतनी शक्ति नहीं। मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे न्याय दिला दो सर प्लीज। सर आप क्या कर रहे हैं? प्लीज चाय देना भाई। ए, उधर क्या देख रहा है भाई? उस नरसिम्हा को उठा लेता हूं। क्या? क्या, क्या, क्या? मेरे भैया एक्सीडेंट से नहीं मरे हैं, मर्डर हुआ है उनका। मर्डर? ये क्या कह रहा है तू? तुझे कैसे पता चला ये सब? तुम सबको कोर्ट ले जाऊंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम सबको कोर्ट ले जाऊंगा। शांत हो जाइए, चलिए चलिए। उसे किसी भी हालत में मार के ही रहूंगा। ए, पागल हो गया क्या तू? उस दिन कुमार को तूने एडवाइस दिया था, वो गांव छोड़कर चला गया, अब तू गांव छोड़कर जाएगा क्या? वो लोग मामूली लोग नहीं है कि उनका मर्डर कर देगा तू। अरे राक्षस लोग हैं, तू अच्छी तरह से जानता है। ए, मेरे भैया को किसने मारा है ये अगर मुझे पता नहीं होता तो कोई बात नहीं थी। किसने मारा है ये पता होने के बाद मैं कैसे चुप रहा हूं? मेरी भाभी के पेट में पलने वाला, क्या गलती है उसकी, क्या गलती है उसकी? अगर वो बच्चा चाचा मेरे पापा का है पूछेगा तो तुम्हारे पापा को किसने मार दिया और मैं उसका कुछ भी नहीं कर पाया, ऐसा बोलूंगा क्या? देख ऐसे गुस्से में फैसले लेगा तो कैसे? एक गाल पर मारा तो दूसरा गाल आगे कर सकते हैं, एक जान निकाली तो दूसरी जान नहीं निकाल सकते हैं। हिम्मत है इसलिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। मैं चुप नहीं रहूंगा, भगा भगा कर मारूंगा, भगा भगा कर मारूंगा उन्हें। भाई आराम से बात करना। यार खत्म कर दे उसे। किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, किसलिए मारा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ भी हो जाए उसे छोड़ना मत, बिल्कुल नहीं।
शब्द में भर ले रुद्र आग, दुश्मन को कर दे तू हक, लेके चल तू ऐसा जलजला, बन त्रिशूल तू शंकर का, क्रोध जगा ले तू अंदर का, रूप दिखा दे तू भयंकर, शेर के जैसे चलता जा तू, ज्वाला जैसे जलता जा तू, अपनी बना के दिशा, दुश्मन चाहे आए ढेरों, चुन चुन के तुम सबको मारो, तुमसे न कोई बचा, तू ये इसमें क्यों लगा रहा है? इस फोन में आने वाले सारे कॉल्स इसमें रिसीव्ड हो जाएंगे। इसे कुछ भी करके नरसिम्हा के फोन में फिक्स कर देंगे तो वो जो भी बात करेगा उसे हम सुन सकते हैं, वो भी किसी को पता चले बिना। यहीं से हमारा काम शुरू। वो हाय हे हे, कहाँ जा रहा है तू? वो नन्नू भाई ने मोबाइल, चल अंदर नहीं जाएगा। ए, क्या कर रहा है? बाहर निकल। ये कह रहा है कि आपने मोबाइल मंगवाया? कौन सा मोबाइल? अरे भगवान कभी मांगता है क्या? भक्त लोग तो खुद ही अपने पास से देते रहते हैं। मैं भी एक भक्त हूँ। अरे हमारे भगवान हमारे सामने आ गए, मैं इनका पैर छुए बिना कैसे रह सकता हूँ? हमारे भगवान, मैं तो अपने भगवान के दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन हमारे भगवान साक्षात हमारे सामने प्रकट हो गए। मुझे तो तिरुपति में भी उतना संतोष नहीं मिला जितना आपको सामने देख के संतोष मिला। हे भगवान, जय भगवान। भगवान ये आपके कुछ चमचे जो मुझे आपका दर्शन नहीं करने दे रहे थे, अब आप साक्षात मेरे सामने हैं तो मुझे किसी का कोई डर नहीं है। भगवान, मैं आपके लिए कुछ भेंट स्वरूप लेकर के आया हूँ। आशीर्वाद के बदले में ये तुच्छ चीज है, आपके इस आन मान शान के सामने। यही चौराहे पे मेरी मोबाइल की दुकान है, आपके आशीर्वाद के बिना कैसे चलेगी? भगवान, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। भगवान, जाता हूँ भगवान, जाता हूँ भगवान। प्रीपेड पोस्ट पेड कुछ भी हो मुझे बुलाइएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। भगवान, चलता हूँ भगवान, चलता हूँ, आशीर्वाद बताए रखिएगा। अरे भगवान के दर्शन हो गए तो पुजारी को भूल गया। आपको बिना दक्षिणा दिया भगवान का आशीर्वाद फलित ही नहीं होगा। मुझे आपके लिए कुछ दक्षिणा, बहुत कॉस्टली मोबाइल है, मोबाइल पैकेट में, मैं आपके दिल में। चलता हूँ भाई, चलता हूँ, चलता हूँ। काम हो गया ना? काम तो हो गया है, लेकिन वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। सच बता रहा हूँ, मेरी तो जान कलेजे में आ गई थी। एक मिनट। हेलो साहब, अपने गाँव के मेडिकल कैंप के लिए जा रहे हैं? नरसिम्हा भाई आते तो ठीक रहता ना। कब जा रहे हैं? अगले शुक्रवार को भाई। अच्छा ठीक है, मैं भाई को बता देता हूँ। ठीक है भाई।
गुरु, इस टाइम पर आप यहाँ? मैं कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे थे आप? जो लोग पैसा लेकर मर्डर करते हैं उनमें से तुम किसी को भी जानते हो क्या? आप होश में तो बात कर रहे हैं ना गुरु, ये बच्चों का खेल समझ के रखा है क्या? हमारे देश के अंदर पैसा और अधिकार रखने वालों को सजा होती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम जैसों को सजा जरूर होती है। आपकी सोच बिल्कुल गलत है, आगे और भी प्रॉब्लम हो सकती है। या तो तुम मेरे बेटे को मारने वाले की समाधि बनाने में मदद करो, या फिर मैंने अपने बेटे से बहुत प्यार किया इस गलती के लिए उसके बगल में मेरी भी समाधि बनवा दो। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो गुरु? तुम जानते हो या नहीं ये बताओ। बहुत पैसा खर्च होगा इन सब के लिए। उनकी लाश देखने तक चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए मैं तैयार हूँ। मुझे कुछ तो करना ही होगा ना। हम अभी रेड्डी के पास जा रहे हैं, रायलसीमा के इलाके में उसका बड़ा नाम है। आइए। रेड्डी भाई कौन से रूम में है? भाई ये लोग हैं। बैठो बैठो। नमस्ते। तो ये मामला है। ए, मेरे बारे में इन्हें ठीक से बता के लाना चाहिए था ना, इन्हें लेकर जाओ। आओ। नरसिम्हा को उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उसकी जगह कोई और होता तो मेरा भाई जरूर मार देता। दरअसल बात यह है कि वो भाई को बिजनेस में बहुत हेल्प करता है, इसलिए ये नहीं हो पाएगा। देखो देखो देखो, चाचा आए हैं। चाचा जी देखो, नाक भैया जैसा है ना माँ? तुम्हारी नाक तुम्हारे पापा जैसी है। वंश का चिराग आया है, देखिए देखिए ना। तुम इसे मेरा अपना मैटर समझ सकते हो, तुम्हारा कोई भी केस होगा तो मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेकर तुम्हारा काम करूंगा। तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। थैंक यू। ये मेरे घर के कागजात हैं। घर की स्थिति इस समय ठीक नहीं है, ऐसे समय में शादी लव ये सब, और तो और सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर आ गई है, इसलिए 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 अपने प्यार को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे, अच्छा रहेगा। देखो ये मत सोचो कि मंगलसूत्र पहनाने के बाद मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। जिस दिन मैंने शादी के लिए हाँ की थी उसी दिन तुम्हें अपना पति मान चुकी थी। तुम्हारे लिए एक नहीं दो नहीं कितने भी साल इंतजार करना पड़े मैं करूंगी। सुनो सुनो तो, सर आइए आइए। कविता हाँ? जीजा जी से मिलने के लिए कोई आया है? वो अंदर है, आप अंदर जाइए। आइए सर, आइए आइए। नमस्ते। इसमें 30 लाख में 5 लाख रुपया कम है, ये रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं काम होते ही दे दूंगा। नहीं अशोक, मैंने 5 लाख और डाल दिए हैं, अब ये पूरे हैं। कैसे किए? मेरे बड़े बेटे का प्रोविडेंट फंड था, उसके जो पैसे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये लीजिए।
पार्टी के बारे में इंक्वायरी किया हूँ, कोलार में बहुत चलती है उसकी। हमने सोचा था कोई छोटा आदमी होगा, लेकिन बड़ा डील है। अगर हमने डायरेक्ट किया तो थोड़ा रिस्क होगा, अपने किसी आदमी को भेज के करवाता हूँ। नहीं ऐसा मत कीजिएगा, ये काम आप खुद अपने हाथों से कीजिए। सर एक बार जब हमने आपसे वादा कर दिया तो ये काम जरूर पूरा होगा। सर आप कहाँ खो गए, देखिए फोन बज रहा है। सर हाँ? फोन उठाइए, बात कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक मिनट में। हेलो मैं हूँ जी। हाँ बोलो क्या है। शादी के घर पहुँचे क्या? हाँ हाँ मैं शादी के घर से ही बात कर रहा हूँ। हमारा शिव और ऊपर रहने वाली शांति एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात मुझे अभी अभी पता चली है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं घर आके बात करता हूँ ना। ठीक है। क्या बात है जल्दी बोलो। ऊपर देखो। हाँ? बोलो ना क्या बात। अंदर जाकर देखो, खुद जान जाओगे। हाँ अच्छा है, एंगेजमेंट के लिए भी एक डेट फिक्स कर दो। ठीक है जल्दी ही करता हूँ। ए जी होने वाला दामाद। हाँ नमस्ते। नमस्ते, मैं लड़की का बाप हूँ। जानता हूँ सर, फोटो में देखा था। बैठिए ना, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है माँ, एक मिनट। हाँ लड़का देखने में तो सीधा लग रहा है। हाँ लड़का बहुत सीधा सा था। क्या है बेटा, अभी शादी की कोई जल्दी है क्या? जिस घर में बुरा हुआ हो उस घर में शुभ काम होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, हम सब जानते हैं। तुम चुप रहो बस। माँ 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 कोई भी मेरी हालत को समझना ही नहीं चाहता। शिबू पापा से एक बार बात करके देखो ना। क्या बात करूँ मैं पापा से, अभी मुझे शादी नहीं करनी ऐसा बोलूँ, या किसी को मारना है उसके बाद ही शादी करूंगा ऐसे बोलूँ? चुप रहो, अगर शादी नहीं करूंगा तो वो भी नाराज हो जाएगी। अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तमकायरी थिएटर मड़ीकरी, एक साल में मैंने उसे फॉलो किया है, इन तीन जगहों से उसे उठाने का मौका है। इन सब में कॉलेज, वहाँ पर एसपी ऑफिस है, वहाँ तो रिस्क है, वहाँ उसे नहीं मार सकते। उसके बाद थिएटर, इंटरवल के टाइम वो 10 मिनट के लिए टॉयलेट जाता है, मगर उसके लड़के कॉरिडोर पर ही खड़े रहते हैं। एक कर सकते हैं, मिनिस्टर त्यौहार मनाने के लिए जहाँ वो पैदा हुआ है उस गाँव में जाएगा, और उसके साथ सिक्योरिटी के लिए नरसिम्हा भी जाता है। सुबह ठीक 6 बजे वो मिनिस्टर नरसिम्हा के लोगों के साथ पूजा करने जाता है, मगर नरसिम्हा थोड़ा सा लेट निकलता है। रास्ते में ही उस पर अटैक करके उसे उठा लूंगा। क्या हो गया? ए, गाड़ी पीछे ले। ए, लेना गाड़ी पीछे। हेलो जग्गा, मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते में कुछ अनजान लोगों ने हमें घेर लिया है। Oh!
किसने भेजा है तुझे? मुझे नहीं पता। बोल, क्या देख रहा है रे? चल जा। किसने भेजा है बोल? ए बाली। हाँ भाई। वहाँ जो लाल स्वेटर पहन के खड़ा है ना, कौन है जरा पता कर तू? मुझे सच में नहीं पता। भाई, कौन भाई? कोई दिख नहीं रहा है। भाई, मुझे ना बता। हटपुड़ी आर्गुमेंट। झुंड में होगा तो भी सिंह रहेगा, अकेला होगा तो भी सिंह रहेगा। जाल डालकर सिंह को मार सकते हैं, लेकिन इस नरसिम्हा को नहीं। जल्दी चलिए ना, इसे नींद आ रही है। ए, तुम लोगों का नाटक भी ना, ये सोने का टाइम है। अब ये छोटा बच्चा है तो इसे नींद तो आएगी ना। जीजा, कुछ गड़बड़ लग रहा है। अपने सारे लोगों का फोन स्विच ऑफ है। रघु को फोन करके उसे गाड़ी लाने को बोलो और इन सबको घर भेज दो। जीजा, उधर जो लोग बैठे हैं वे हम पे नजर रख रहे हैं। भाई। बोलो जग्गा। भाई वहाँ व्हाइट शर्ट पहन के जो खाना खा रहा है वही है। हाँ ठीक है ठीक है। भाई वहाँ व्हाइट शर्ट पहनकर बैठा है ना, वही है। काठपुड़ी आर्गुमेंट तुम्हारा ही नाम है क्या? आप लोग कोलाहलपुर। क्या मतलब? कोलाहलपुर का नरसिम्हा रेड्डी। तुम्हें सुपारी किसने दी? किसी ने मुझे सुपारी दी, मुझे नहीं पता। सब उस वकील ने कहा इसलिए किया। उस वकील का घर कहाँ है बता। हेलो, मैं अशोक बोल रहा हूँ। तुम्हें कितनी बार फोन किया मैंने, तुमने फोन क्यों स्विच ऑफ कर रखा है? मड़केरी में नरसिम्हा को जो लोग मारने गए थे वो लोग पकड़े गए हैं। हाँ? इसीलिए मैं वहां से बचकर अपने गांव में आया हूँ। हाँ? चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, है ना? अशोक सुनिए, फोन में बाद में भी बात कर सकते हैं, पंडित जी बुला रहे हैं। चलिए आता हूँ। साली वाहन शाक वर्ष श्रावण शुद्ध दशक दिनांक 8/8/2014 में श्रीमान गुरुराज और श्रीमती महालक्ष्मी के द्वितीय पुत्र चिरंजीवी शिवराज जी से श्री धर्मराज और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा की प्रथम पुत्री सौभाग्यवती जानवी से निश्चित मुहूर्त में बड़े लोगों के सामने निश्चय किया गया है। हेलो। हेलो, काठपुड़ी के आर्गुमन जी बोल रहे हैं ना? हाँ, आप कौन? मैं वो नरसिम्हा के बारे में बात करने आया था एक लॉयर के साथ आपके पास। कहाँ चले गए थे आप? उस वकील को फोन करो तो, उसका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ आता है। मड़ीकरी में हमारा प्लान फेल हो गया है, आपको पता है ना? पता चल गया, पर आप एक बार और ट्राई तो कर ही सकते हैं ना? क्या कहा? फिर से? सर, आज ही हम लोगों का डील खत्म होता है। अगर इस बार मैं जेल गया तो मैं छूट पाऊंगा या नहीं, ये मुझे खुद को भी नहीं पता। आप आकर प्लीज अपना पैसा लेकर जाइए। पैसा तो मैं पैसा कहाँ कर ले जाऊँ? आज रात को मार्केट बस स्टैंड पर 8 बजे आकर ले जाओ। हेलो भाई। हाँ बोलो जग्गा। मड़करी में भाई पे अटैक करने के लिए जिसने सुपारी लिया था ना, उसका फोन आया था। आज रात को 8 बजे मार्केट में बुलाया भाई, आज रात को पक्का हमें वो मिल जाएगा। क्या हुआ यार? मड़करी में एक गैंग ने नरसिम्हा पर अटैक किया था, मैंने बताया था ना। हाँ? वो डील जिसने दी थी, आज रात को मार्केट में उसको मार डालने वाले हैं।
जो मारने वाला था उसे आज रात को मारने वाले हैं। उसे खुद को नहीं पता होगा, किसी भी तरह उसे बचाना ही होगा। ए, लेकिन हम उसे क्यों बचाने जाएंगे? वो भी हमारे ही जैसा है ना यार। रुक, मैं देखता हूँ। क्या है मिस्टर हैरी, क्या तुमने मेरे लिए कुछ नया डाउनलोड किया है? तुम्हारी बीवी का डाउनलोड किया, देखेगा। अरे सुनो मेरी, आजा। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे अरे वही ठरकी बुड्ढा फिर से वीडियो मांगने आया था, पूरा ठरक गया ये। आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। रुक जा, आता हूँ मैं, तेरा ही वीडियो बनाऊंगा आज मैं। आप यहाँ? शिव से मुझे अर्जेंट बात करनी है, तुम जरा बाहर जाओगे प्लीज? वो अंदर कुछ काम चल रहा था इसलिए। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज जरा तुम बाहर जाओगे? नहीं, वो डिलीवरी देनी थी वो। ए, जा कहा ना। कैसे भगा रही है, और कल भैया बोल रही थी। प्यार की भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी, अब जाते हो या फिर? जाता हूँ, जाता हूँ। भगवान, उसे क्यों भेज दिया? वो क्या है ना शोना, तुम्हारे पास तो मेरे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है। एंगेजमेंट से पहले तो ये सब ठीक था, लेकिन एंगेजमेंट होने के बाद इतनी दूरी ठीक नहीं है। आधी बीवी जो बन गई हूँ। आधी बीवी? क्या चाहिए अब? वो बात ये है ना, एनुअल एग्जाम से पहले हमेशा स्टूडेंट्स को डर लगना चाहिए ना। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एग्जाम्स रहती है, तो हम लोगों को शादी से पहले। तुम्हें हो क्या गया है? एक्चुअली ना, फर्स्ट नाइट के बारे में सोचते ही शादी के बारे में सोचते ही लाइट फियर हो रहा है। ज्यादा उछल रही हो क्या? जाओ यहाँ से। समझ में आया या नहीं? देखो जो है मैं समझ गया, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम बाकी है, अभी तुम जाओ यहाँ से। चुप रहो। सुनो, चारों ओर नरसिम्हा के आदमी फैले हुए हैं, जरा सावधान रहना, ठीक है? वही है के सामने। सर, सर मैं यहां हूं। सर, सर रुकिए, सर मैं यहां हूं। सर, सर मैं हूं। सर पापा, सर मैं यहां हूं। सर पापा, सर आप कहां जा रहे हैं? ए, उतरो उतरो। पापा यहां पर क्यों आए हैं? कहाँ है वो? हाँ, पता नहीं, कहीं दिखाई नहीं दिया। छोड़ो मत उसे, ढूंढ जाके। हाँ, चल रे। इधर आ। हे, रुक। कहाँ जा रहा?
वेट कीजिए। देखिए, नथिंग टू वरी। बीपी ज्यादा होने की वजह से हुआ। आधे घंटे में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, आप उनके कॉल लगते हैं? वो हम मेरा और उनका वैसे कोई संबंध नहीं है। अब मार्केट में बेहोश होकर गिर गए थे। ओके। तो उनकी जेब में ये फोन था सर। उनके घर पे इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं चलता हूँ सर। थैंक यू। नमस्ते। चल चल। नंबर चेक करो और घर वालों को फोन। ओके सर। डॉक्टर से झूठ क्यों बोला? मैंने पिताजी को बचाया है, ये बात उन्हें अभी नहीं पता चलनी चाहिए। अरे यार, मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। मेरे पिताजी का दर्द तुम नहीं समझ पाओगे। पापा का मतलब है आसमान। जन्म देने वाली माँ धरती समान होती है। धरती से जितना हमारा जुड़ाव होता है उतना आसमान से नहीं होता। आसमान को सर उठा कर देखना पड़ता है। वो बादलों से ढका होता है। जब बादल हट जाते हैं तब हमें पता चलता है कि आसमान कितना विशाल है। मार्केट में आप बेहोश हो गए थे, आपको किसी ने देखा और यहाँ एडमिट करवा दिया। 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, दो दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। घबराने की कोई बात नहीं है। शिव कहाँ है? फोन करके बता दिया है, बस आता ही होगा। ये क्या है जी, अभी थोड़े ही दिनों में घर में शादी है, आप यहाँ वहाँ क्यों भटकते फिरते हैं? कौन है? पता नहीं, सिर्फ नंबर दिख रहा है। कौन है? मैं अशोक बोल रहा हूँ। उस कार्डपुरी आर्गुमेंट को मार दिया है। टीवी न्यूज नहीं देख रहे हो क्या? हेलो हेलो, आ रहा हूँ आ रहा हूँ।
ए, पापा। आज तो मैं ऊपर वाली की दया से बच गया। नरसिम्हा भी वहीं था, वो शायद मुझे मारने आए थे लेकिन वो मर गया। तुम्हें किसी ने देखा था क्या? शायद दो लोगों ने देखा। किसने कहा था तुम्हें वहां जाने के लिए? मैं क्या कर, तू ही बता। मैं खुद अपनी लाश को ढो रहा हूँ। मेरा बेटा, मेरा खून, मेरी सांसें अगर कोई मुझसे छीले तो क्या मैं घर बैठ के खाना खा सकता हूँ? तू ही बता। मैं घर में रहता हूँ तो मुझे बेटे की याद आती है। पूरा पैसा चला गया पर मेरे बेटे के हथियारों का कुछ नहीं कर पाया। अशोक, उन्हें हर हाल में मरना होगा, हर हाल में मरना होगा। था वो बूढ़ा अकेला होगा लेकिन एक और ने आकर उसे बचाया। मतलब वो दोनों प्लान बनाकर उस बस स्टैंड में आए होंगे। अब तक तो उन लोगों ने मेरे पिताजी को ढूंढना शुरू कर दिया होगा और दो दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। hey, उस बुड्ढे को बचाने वाले ने अपना मुंह क्यों ढका हुआ था? या तो वो हमसे अपनी पहचान छुपाना चाहता था या फिर वो जरूर हमारी पहचान वाला कोई था। मेरे पिताजी कौन है ये जानने से पहले ही मुझे किसी भी तरह उसे उठाना होगा। एक साधारण आदमी ने मुझे मारने के लिए 30 लाख रुपए की सुपारी दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। हम लोगों ने आम पब्लिक में से कितने लोगों को मारा उसकी एक लिस्ट बनाओ। जाओ। ठीक है भाई। हर साल महाशिवरात्रि में नरसिम्हा इस मंदिर में आता है। वो भगवान का दर्शन करने के लिए अंदर जाता है तो किसी को अंदर नहीं छोड़ा जाता। उसके आदमी बाहर खड़े रहते हैं, यहाँ उसे नहीं मार सकते। मेले में रथ खींचने का कार्यक्रम होता है, उस रथ को नरसिम्हा ही खींचता है। लोगों के बीच कौन किसे मारेगा पता नहीं चलेगा। पब्लिक को पता चले उससे पहले ही उसे मैं मार दूंगा। मंदिर के पीछे का ये पैदल रास्ता यहाँ से 5 किलोमीटर दूर कैलाशगिरी तक जाता है। यहाँ से पैदल चलेंगे तो 1 घंटे में तो पहुँच सकते हैं। मैं जैसे ही अपना काम पूरा करूंगा यहाँ पे आ जाऊंगा। तू कार में मेरा वेट करना और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है। गैंगस्टर के अलावा हम लोगों ने पब्लिक के 15 लोगों को मारा है। उनमें से तहसीलदार, गवर्नमेंट डॉक्टर्स, उसके बाद ऑटो ड्राइवर राजा, तेजल धनंजय, आपका फ्रेंड वेंकटेश नायडू, म्युनिसिपल कॉलोनी का शंकर, इन सबको हमने फेस टू फेस मारा है भाई। जिन्हें एक्सीडेंट में मारा वो है माइंस ऑफिसर नागराज, MLA का भाई मंजुनाथ, SR पाटिल। इतना ही है भाई। सुनो जी, इस एक्सीडेंट लिस्ट में जितने लोग हैं उनमें से ही किसी ने यह काम किया होगा। तुम अकेले जाओगे या पुलिस के साथ जाओगे ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन कल तक इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो मेरे सामने होने चाहिए। जाओ। ठीक है भाई। भाई, भाई के साथ बात हुई क्या? एक मिनट लाइन पर रहो, भाई से पूछकर बताता हूँ। मिनिस्टर का PA लाइन पर है भाई, कल रात से ही फोन आ रहा है। मिनिस्टर साहब आपसे बात करना चाहते हैं भाई। मामला क्या है? वो तो नहीं पता है भाई। ठीक है भाई। हेलो भाई, मिलने के लिए तैयार हैं। ओके, अगर ऐसा है तो पल्लवी थिएटर में सेकंड शो में आने के लिए कहो, साहब वहीं आ जाएंगे। ठीक है सर। एक छोटी सी इंक्वायरी है, कल सुबह आप कमिश्नर ऑफिस में आ जाइएगा। कमिश्नर के ऑफिस में? जी सर। पर क्यों? वो आपके बेटे के एक्सीडेंट के बारे में कुछ इंक्वायरी करनी थी। आता हूँ मैं। थैंक यू सर। सर, आपका एक और बेटा है ना? हाँ है ना। आप आते वक्त उसे भी लेकर आइएगा। कमिश्नर साहब ने कुछ और कहा था क्या? नहीं, बस उतना ही सर। हेलो सर,
एक्सीडेंट से रिलेटेड आपने जो लिस्ट मुझे दी थी उन सभी को मैंने ऑफिस में बुलाया है। भाई को बोलो कि चेक कर ले। भाई मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग में बिजी हैं। मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। ओके। अरे यार तू कहाँ है? मैं थिएटर में हूँ। ए पागल है क्या तू? मैंने थिएटर जाने से मना किया था ना। मंदिर में उसे मारने का प्लान था तो थिएटर में जाने का रिस्क क्यों लिया तूने? कल क्या होने वाला है ये तो किसी को भी नहीं पता। मैं यहाँ पर कब से वेट कर रहा हूँ। वो लोग कहीं मेरे पिताजी को पहचान ले इसका मुझे डर है। हाँ तो थोड़ी देर यहाँ रुकता हूँ नहीं तो मंदिर में ही खत्म कर देंगे। देख यार जब तक वो लोग तुझे पहचान नहीं लेते तब तक ही तू सेफ रहेगा। अगर उन्होंने पहचान लिया तो मैं बाद में फोन करता हूँ तुझे। हेलो हेलो कौन है? कौन बैठा है अंदर? दरवाजा खोल। निकल बे। ए, निकल रहा है कि नहीं? बाहर निकल। क्या कर रहा है रे अंदर? बाथरूम गया था भाई। ठीक है निकल। ठीक है भाई। भाई आप जाओ भाई। इसे तो मैंने कहीं देखा है। ए, उधर ही रुक। क्या नाम है तेरा? शिवराज। कहाँ रहता है? कलपेट। कलपेट में कहाँ? ईश्वर के मंदिर के पास। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। मुझे क्यों मारा भाई? कलपेट में ईश्वर का मंदिर, मेरा भी वही एरिया है। मुझसे झूठ बोलता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई। तुम चाहो तो किसी से भी पूछ लो। वाले भाई उस दिन लाल स्वेटर वाले के बारे में जो बोला था ना, मुझे लगता है ये वही है। नहीं भाई आपने किसी और को देखा होगा। मैं चलता हूँ। मैं तुझसे कुछ बोल रहा हूँ और तू जाने की बात कर रहा है। शर्ट छोड़िए ना भाई। शर्ट छोड़ो ना। क्या कर रहे हो भाई? वो मुझे मारने आया है। पकड़ो उसे। पकड़ो उसे। कहाँ भागता है? पकड़ो उसे। रुक। भाई वो हमारे एरिया में घुसा है भाई, उसे छोड़ूंगा नहीं भाई। आधे घंटे में वो आपके सामने रहेगा। बोलो भाई। हे मंजा। हाँ। अपने एरिया में एक लड़का घुसा है, वो भाई को मारने के लिए आया था। वो तेरे घर की तरफ ही गया है। मेरे घर की तरफ? हाँ भाई यहीं पर है, अभी भाग के गया है। तो बात क्या कर रहा है? पकड़ उसे। ए, चलो। नंदिनी चलो। नंदिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? और बोलो तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? कुमार को उसने मार दिया। उस दिन तुमने उसे बस में बिठा दिया, उसके बाद पुलिस वालों ने उसे पकड़कर नरसिम्हा के हाथ में दे दिया। हेलो भाई। जग्गा तेरे हाथों इसकी मौत लिखी है, इसलिए मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया है। आ जाओ। आ रहा हूँ भाई।
उस कमीने को नंदनी के सामने ही मारूंगा। छोड़ो मुझे। इसके सर के दो टुकड़े करके इसे मारो। चलो। नहीं जग्गा, छोड़ दो उसे जग्गा, नहीं जग्गा, नहीं उसे छोड़ दो जग्गा। तुम्हारे फ्रेंड की मौत मेरी वजह से हुई है। भाई वो लोग इधर है, भाई पकड़ उसे। शिवा उठो, शिवा उठो, वो लोग आ रहे हैं। उठो शिवा, शिवा उठो, शिवा वो लोग आ रहे हैं। उठो शिवा, शिवा उठ जा, उठो शिवा, शिवा उठो, उठ जा शिवा, उठ जा, उठो शिवा, उठो।
जाओ शिवा। छोटे छोटे देख मैं आ गया हूँ। नंदू कमिश्नर को फोन लगा।
तेरी मुझसे क्या दुश्मनी है बता। अगर मैं कौन हूँ बता दूंगा तो मैंने अपने लिए तुझे मारा है ऐसा लगेगा। तेरी जिंदगी में तूने कितने लोगों की जान ली होगी। तुम जैसे लोग खुद की जिंदगी के लिए मासूम लोगों की जिंदगी के साथ खेलते रहते हो ना, लेकिन जब उन्हीं में से कोई इंसान अपना असली रूप दिखा देता है तो तुम जैसों के लिए वो काल बन जाता है और फिर तुम जैसे लोगों का खात्मा हो जाता है। मुझे छोड़कर मत जा, मुझे बचाओ। हेलो पुलिस स्टेशन। लोगों के लिए खुशी का समाचार, नरसिम्हा युग का अंत। पुलिस को कंकाल बनकर मिली है उस दुष्ट की लाश। आराम से सांस लेने लगे हैं कोलार के लोग। कोलार से 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह के एक कुएं में मिली है उसकी लाश। ये लाश दो दिनों से कुएं में रहकर कंकाल बन गई है। वो लाश नरसिम्हा की ही है ये साबित हो गया है और पुलिस खून करने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रही है। नरसिम्हा कोलार में किसी को भी चैन की सांस नहीं लेने देता था। अभी कोलार में नरसिम्हा की मौत की वजह से लोगों में खुशी का माहौल है। नरसिम्हा की मौत की वजह से कोलार की जनता को मुक्ति मिल चुकी है। शिवा, शादी के लिए तुमने अपने फ्रेंड से 3 लाख रुपए का कर्जा लिया है क्या? नहीं भाभी। तो फिर इतने पैसे कहाँ से आए? वो मैं पापा के साथ बात करता हूँ। पापा, पापा, एक मिनट आइए ना पापा। आइए ना पापा। क्या हुआ? पापा, शादी के लिए 3 लाख रुपए मैंने यहां से लिए थे, बाकी के पैसे यहीं पर हैं। शिवू, दोनों बाप बेटे के बीच में अंदर क्या चल रहा था? पापा के साथ मैं कुछ पर्सनल बात कर रहा था माँ। शिवू, शिवू, हाँ पापा। शिवू, हाँ पापा। शिवू इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। अंदर क्या चल रहा है माँ? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ, बच्चा क्यों रो रहा है? मेरा बच्चा। आजा, मेरे पास। क्या जी, बाप और बेटा मिलकर अंदर क्या राज की बात कर रहे थे? बाप बेटे के बीच में तो बहुत से राज छिपे होते हैं। आज के बाद हम सब लोग बहुत ही खुशी से जीवन बिताएंगे।